बहू, डिनर में कुछ अच्छा सा बना लेना, अभी रश्मि आने वाली है। अच्छा, रश्मि दीदी यूं अचानक से? कुछ काम से आ रही हैं क्या? क्यों, अपने ही घर में आने के लिए किसी काम की जरूरत होती है क्या? हम सबसे मिलने आ रही है। सत्यम को बोलना फ्रूट ले आए, और हाँ, पनीर भी मंगवा लेना याद से। ठीक है मामी जी। सत्यम, रश्मि दीदी आ रही है, तो मम्मी जी ने कहा है कि फ्रूट्स और पनीर ले आओ मार्केट से। अच्छा, रश्मि आ रही है, मतलब अचानक से कैसे? अभी तो जीजा जी ने नई दुकान खोली है और वो भी उन्हीं के साथ जाती है। मैंने भी उनसे यही पूछा था, पर उल्टा वो तो मुझ पर ही भड़क गई। कहने लगी उनका घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। आपको तो पता ही है ना उनके घर के हालात कैसे हैं। जीजा जी के भाइयों ने उन्हें अपने बिजनेस से अलग कर दिया है, और दीदी के सारे गहने बेचकर उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। मुझे तो लगता है कि मम्मी जी से वो पैसे लेने आ रही हैं। जब भी आती हैं, मम्मी जी उन्हें थैले भर भर कर सामान दे देती है। मम्मी जी कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचती है, बस रश्मि दीदी पर ही सब कुछ लुटा देती है। देखना, इस बार भी बहुत कुछ देंगी वो। तुम्हें मम्मी जी से इस बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। देखो, तुम कह तो बिल्कुल ठीक ही रही हो, लेकिन इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मम्मी पापा का पैसा है, उनकी मर्जी जिसको दे जहाँ खर्च करे। वैसे कायदे से तो माँ बाप को बच्चों को बराबर ही पैसा देना चाहिए, लेकिन खैर छोड़ो, मैं बात करूँगा उनसे एक बार। बाकी मैं मार्केट से सामान लेके आता हूँ। वाह वाह, खाना खा के तो मजा आ गया। अच्छा, ये साड़ियाँ आपके दामाद ने भिजवाई हैं आपके और भाभी के लिए। साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, दामाद जी को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना। अच्छा, बैंक से ना मैंने तुम्हारे लिए निकलवा लिए थे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरी खानदानी कंगन है, तुम पे बहुत सुंदर लगेंगे। देख रश्मि, हमारे लिए साड़ियाँ लाई हैं, कैसी हैं? हमारे पैसों से हमें गिफ्ट दे रही हैं। अच्छी हैं साड़ियाँ मम्मी जी, इसके पैसे तो दे देते आप। नहीं भाभी, ये तो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। दीदी, आप लोगों की कंडीशन ठीक नहीं तो आप हमारे लिए गिफ्ट ना ही लाया करिए। वैसे ही मम्मी जी आपको चोरी छिपे बहुत कुछ दे देती है। आज तक मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी आपको उठाकर सोना दे रही हैं। जरा लाइए तो इधर, मैं भी तो देखूं कि हमसे छुपाकर आपको क्या दिया जा रहा है। वैसे आप बिना दीदी हमें अच्छे से लूट रही हैं। अब देख लीजिए भाभी, इसमें क्या है। वाह मम्मी जी, आप अपने खानदानी कंगन दीदी को दे रही हैं। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ अंकिता, इतनी तेज की बोल रही हो? अरे तेज नहीं बोलू तो क्या करूं, मम्मी अपने खानदानी कंगन हमसे छुपाकर दीदी को दे रही है। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे। माँ, कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता हमसे। अपनी बेटी को कुछ देने से पहले मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। 2 दिन के लिए उसने शादी पे कंगन पहनने के लिए ले जाने थे, उसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। भाभी, आप इल्जाम लगाने से पहले पूछ तो लेती, मैं और माँ आपको सब कुछ बता देते। मेरे सारे गहने इनकी दुकान सेट करने में बेच दी। मेरे ससुराल में शादी है और मेरे पास पहनने के लिए कोई गहने नहीं है। मैं तो आर्टिफिशियल कंगन पहनने वाली थी, पर माँ ने अचानक से ये कंगन पहनने को कहा। मैं तो तुम दोनों को बताने वाली थी, फिर मैंने सोचा रश्मि आने वाली है, इसलिए तुम्हारे पापा को बोला कि बैंक से कंगन निकाल के ले आओ। क्या, 2 दिन के लिए? भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ पैसे और गहने लेने ही आती हूँ? माना कि मेरे हालात खराब हैं, मगर इतने भी बुरे नहीं कि मुझे चोरी छुपे ये सब करना पड़े। हम बेटियाँ मायके प्यार और स्नेह के लिए आती हैं, ना कि अपने माँ बाप और घर को लूटने के लिए। भाभी, मैंने तो आपको हमेशा सम्मान दिया है और आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। आप भी तो किसी की बेटी हैं, अगर आपकी खुद की भाभी आपके बारे में ऐसा सोचे तो। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आप एकदम ठीक कह रहे हो। आप प्लीज अपने मन में कुछ मत रखना, हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं।